सर, संविधान खतरे में। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, और सारे सरकारों की नीतियाँ, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है। मैं जिस राज्य से आता हूँ अध्यक्ष महोदय, संथालपुरना एरिया से, जब संथालपुरना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथालपुरना में 36% था, और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए, इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहाँ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे, हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%, जय, मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123% 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहाँ के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं, और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है, और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज, और यह झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपुरना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। NRC लागू करिए, और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए, और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एमपी को रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा, जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जो माननीय सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं उसका नाम लिया होगा तो निकाल देंगे, और कभी ले भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, कोडा विशेंद्र रेड्डी। अध्यक्ष ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు। ఇది మా తాండూర్ బషీరాబాద్ సంబంధించిన రైళ్లు రైల్వేలకు సంబంధించిన విషయము। ఇది ఒక ముఖ్యమైన విషయము, ఇది చాలా అర్జెంట్ విషయము। అధ్యక్ష, రైళ్లు అంటే మనకు ఒక ప్రయాణం చేసే విధానము, నాకు కూడా అదే, కానీ మా బషీరాబాద్ ప్రజలకు రైళ్లు అంటే ఒక విద్య,
స్కూళ్ళకు పోతారు అధ్యక్ష. రైళ్ళు అంటే ఉద్యోగం, ఉద్యోగం చేసేందుకు వికారాబాద్ తాండూర్ మరి హైదరాబాద్కు రైళ్ళలో పోతారు. ఆపద వచ్చినా కూడా రైళ్ళు అంటే హాస్పిటల్, ఏమైనా ఆపద వచ్చినా హాస్పిటల్. అధ్యక్ష, తాండూర్ బషీరాబాద్ మధ్యలో కాగ్నా నది ఉన్నది, అయితే రోడ్డు మీద పోవాలంటే చుట్టూ తిరిగి పోవాలే, కానీ రైళ్ళ పోతే చక్కగా పోవచ్చు, అగ్వలో పోవచ్చు. అయితే అధ్యక్ష, అక్కడ తాండూర్ బషీరాబాద్కు రైళ్ళు ఎన్నో వస్తాయి కానీ వచ్చిపోతే ఆగాయి. అందుకే ఎన్నోసార్లు అడుగుతున్నాము మేము, హూబ్లీ ఎక్స్ప్రెస్ 173 19 హూబ్లీ ఎక్స్ప్రెస్ అక్కడ ఆగాలని పోయేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు. అదే కాక ఇది 2 ఏళ్ళ సది కాదు, 5 ఏళ్ళ సది అడుగుతున్నాము, కానీ ఈ నడుమ 3 రోజుల కింద రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ ఏదైతే ఆగేద్దో అది 3 రోజులది బంద్ అయింది. నిజంగానే ఉన్నది లేదు, మళ్ళీ ఇంతకుముందు అడిగింది కూడా రాలేదు.